अचानक बनी नौतुन। नौतुन का डांस धमाल। उठा घूंघट, लगा झटका। सामने आए कुलभूषण और ब्रिजभूषण। स्टार प्लस के सीरियल झनक में आज हो रहा है कोलकाता नृत्य उत्सव, जहां पर अनिरुद्ध का पूरा परिवार मौजूद है। साथ ही वहां पर आए हैं ब्रिजभूषण, सृष्टि और आरशी भी, और डांस के मंच पर घूंघट ओढ़े नौतुन दिखा रही है अपने डांस का जलवा। झूम झूम कर नौतुन डांस कर रही है, जिसे देखकर अनिरुद्ध को आ रही है झनक की याद, और आरशी और सृष्टि भी हो रहे हैं हैरान। अप्पू को नहीं, सबको ही भनक हुई है, क्योंकि पेपर कटिंग देख के सबको लगा है कि उसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है या कुछ है वो झनक जैसा है। तो एक जो लोग हम झनक को बहुत प्यार करते हैं, जो हम चाहते थे कि झनक आ जाए, तो उनके अंदर एक होप तो जगी है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, वो झनक है नहीं है, कुछ भी मतलब कैसे है, कैसे ये कहानी को हम डील करते हैं। सो इसके लिए आपको एपिसोड्स देखना पड़ेगा। भाई झनक की डांस मुद्राएं ऐसी हैं कि कोई भी उसे पहचान ले, लेकिन यहाँ पर वो घूंघट ओढ़कर आई है नौतन बनकर। लेकिन डांस होने के बाद मंच पर बुलाया गया ब्रिजभूषण को, और साथ ही बुलाया गया नौतन के गुरु यानी की कुलभूषण को, जिसे देख कर ब्रिजभूषण हो रहे हैं हैरान। असल में जो ब्रिजभूषण है वो कुलभूषण है। इतने सालों से वो अपने भाई ब्रिजभूषण का नाम लेकर इस दुनिया में विख्यात हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब नौतुन के चेहरे से घूंघट उठता है और सभी के सामने आता है झनक का चेहरा, जिसे देखते ही सृष्टि और अर्शी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और अनिरुद्ध वो हो जाता है हैरान। साथ ही उसे अंदर ही अंदर मिलती है खुशी भी। लेकिन तभी झनक अपना इंट्रोडक्शन सभी के सामने देती है कि वो नौतुन है। और ये डांस फॉर्म मैंने अपने पापा से सीखी है, जिनका नाम है पंडित कुलभूषण। आई नो ये काफ़ी वक्त तक इन सब से, पूरी दुनिया से बहुत दूर थे, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न मिला है मुझे कि आज मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आई हूँ, अपने पापा को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने पापा के लिए। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे साथ स्टेज पे पंडित कुलभूषण भी है। सर और ये अमेजिंग ऑडियंस जो हमारे सामने बैठी है, वंडरफुल इवनिंग टू ऑल, थैंक यू। सभी लोग शौक में थे कि भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस, सब कुछ मिलता है, लेकिन हाँ उसकी बात करने का तरीका झनक से बहुत अलग है। हाँ, और वो हमें पहचान भी नहीं, हमें पहचान भी नहीं रही है। तो हमारे लिए वो एक बात है कि अगर झनक है तो वो हमसे ज़रूर बात करेगी, बाकी सबसे शायद ना सही, लेकिन जो उसे बहुत प्यार करते हैं, अनी हो गया, अप्पू हो गई, इन सबसे तो वो एटलीस्ट बात करे, लेकिन वो नहीं पहचान पा रही है, तो ये तो शॉकिंग बात है हमारे लिए। झनक ने भले ही अपना नाम बदल लिया हो और अंदाज भी बदल लिया हो, लेकिन अनिरुद्ध को पूरा यकीन है कि ये उसकी झनक है। अब देखना होगा कि कैसे झनक नौतुन के नाम पर सभी के सामने लेकर आएगी सृष्टि और अर्शी का असली चेहरा, और साथ ही होगा ब्रिजभूषण बने कुलभूषण का खुलासा भी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो
लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।